बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद वर्चुअल माध्यम से चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ बहुत रैलियां जो है वो लोगों के बीच होगी, लेकिन कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। नित्यानंद राय यही बयान को लेकर फंसते दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद उनकी फजीहत पूरी तरह से हो रही है। नित्यानंद राय ने कह दी कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे, जिसके बाद उनकी आलोचनाएं शुरू हो गई। हालांकि चुनाव का मौसम है, ऐसे में तमाम बड़े नेताओं को सूझबूझ और संयम के साथ बयान देना होता है, लेकिन ये बयान बिहार चुनाव के लिए कितना घातक साबित होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सुनिए क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आने की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो वहां आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है। सत्ता कितनी लोलू होता है, हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी, हमारे देश की सेना की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीपा की सुरक्षा करती है।